हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। और मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। और हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कुछ और भी कार्ड्स निकालेंगे। और जो अभी तक हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं स्ट्रेस, हारमोनी, शेयरिंग, हीलिंग, सेलिब्रेशन, ब्रेक थ्रू एंड ट्रस्ट। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट हमारे स्ट्रेस के कार्ड से। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आज जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, उन्हें काफ़ी ना टेंशन हो रही है इन दिनों, और इस वक्त भी वो काफ़ी टेंशन ले रहे हैं इस बात की कि उनके जीवन में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वो अपने जीवन में हारमोनी लाना चाहते हैं और ये बात उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से शेयर भी की है कि इन दिनों वो काफ़ी स्ट्रेस में हैं। और ये जो स्ट्रेस उन्हें हो रहा है ना, या तो अपने करियर को लेकर हो रहा है या फिर वो आपको लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ना आप पर ट्रस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये पर्सन ना आप पर शक करते हैं। और इस शक करने की आदत की वजह से ना, जैसे कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये अंदर से ना बहुत टूट से गए हैं। ओके, और ये जो भी आपके साथ मोमेंट्स हैं ना, इन्हें भी याद करते हैं तो तब इन्हें एहसास होता है कि आपके साथ ये काफ़ी हैप्पी थे, पता नहीं इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, ऐसा इन्हें काफ़ी टाइम से लगने लग गया है। इस वक्त भी ये इस वक्त ना अपने उस हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जब इनके जीवन में हारमोनी आएगी तब ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे। और इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इनके जीवन में जो हो रही हैं ना, इनको कुछ सिखाने के लिए भी हैं और इनके जीवन में ना ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी हो रही हैं। इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो आपको भी कोई ना कोई और कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन ना आपको कुछ वाइब्स भेज रहे हैं, गुड वाइब्स हो सकती हैं। शायद ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, ये आप पर ट्रस्ट करें और ये रिलेशनशिप को ना पहले की तरह ठीक भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ ना सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इस वक्त इनके जीवन में जो कुछ भी टेंशन इनको है ना, इनकी फैमिली को लेकर, इनके करियर को लेकर या आपको लेकर के ना, ये बहुत बर्डन ले रहे हैं और ये आप पर ट्रस्ट ना करने की ना ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद को ही सजा दे रहे हैं। और ये पर्सन ना इस कदर अंदर से टूट गए हैं कि इनकी समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। और इन्होंने ना काफ़ी सारी आपके लिए प्रेयर्स की हैं, अपने लिए प्रेयर्स कर रहे हैं और आप दोनों के जीवन में हारमोनी लाने के लिए ना जो ये प्रयत्न कर रहे हैं उसमें इनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं ना, इन्हें समझ आई है कि हार्डवर्क क्या होता है। और किसी के बारे में जब हम कुछ भी गलत बोलते हैं तो हमारे जीवन में भी गलत होने लग जाता है, ये इन चीज़ों से भी सीख रहे हैं और ख़ुद की गलतियों को भी देख पा रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज़ तो होती हैं बट कुछ टाइम के लिए ही, उसके बाद ये फिर से ना वही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं जो शायद आपको बुरी लगती हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन ना आपकी ज़्यादा बात नहीं मानते होंगे और आपकी बातों को इग्नोर करते होंगे। आप इनसे जो भी एक्सपेक्ट करते हैं ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते हैं और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप इनके साथ ये सारी ही चीज़ें कर रहे हैं, जबकि इस पर्सन का जो नेचर है ना, स्वभाव जो है ना, वो इसी तरह का है कि छोटी छोटी चीज़ों की भी टेंशन ले लेते हैं। अपने जीवन में ना ये स्टक से हो गए हैं और इस स्टक एनर्जी से निकलने की जो कोशिशें इनकी हैं ना, उसमें कुछ हद तक इनको कामयाबी भी मिली है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ना आपसे थोड़ा प्यार तो करते हैं बट आपको बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं और साथ ही इनको ऐसा लगता है कि आपको तो शायद कोई भी मिल जाएगा। और इस वजह से भी ना ये पर्सन ना आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं पूरी तरह से, कहते होंगे कि आप पे ट्रस्ट करते हैं बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, आपकी शायद फाइट्स भी इनसे इस वजह से होती हैं कि ये पर्सन आप पे शक करते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं करते और फिर उस चीज़ का बर्डन लेते हैं। ओके, तो इनके दिल और दिमाग में ना इस वक्त आप ही चल रहे हैं, आप ही की यादों में खोए हुए हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं और जो भी लास्ट टाइम आपकी इनसे फाइट हुई है ना उसके बारे में सोच रहे हैं और जो भी मोमेंट्स आपने इनके साथ सेलिब्रेट किए हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। इस वक्त आप इनकी यादों में चल रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।